गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिमरन कसरत पसंद। आज का ब्लॉग मेरे मम्मी के बर्थडे के रिलेटेड है, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अब हम दोनों भाई बहन मार्केट जा रहे हैं ताकि मम्मी के बर्थडे के लिए कुछ शॉपिंग कर सके। और ये रास्ते का सीन है, ये छतौनी चौक है जो हमारे मोतिहारी में आता है। और मैं यहाँ रोड क्रॉसिंग करने की कोशिश कर रही थी। और ये है मॉल, पैंथलून मॉल में मम्मी के लिए बर्थडे का शॉपिंग के लिए सोचे कि कुछ खरीद लेते हैं। तो मम्मी का फेवरेट कुर्ती है, वो कुर्ती ही ज़्यादा पहनती है, तो हम लोग कुर्ती देखने के लिए लग गए। इतने सारे कुर्ती में फाइनली मुझे एक कुर्ती पसंद आया, वो आप लोग मम्मी मुझे पहनेगी तभी देख पाएंगे। और ये मेरा भाई है। शॉपिंग करते करते मुझे झुमका दिख गया। मुझे इयररिंग बहुत ही पसंद है, जहाँ इयररिंग दिख जाता है मैं वहाँ खींची चले आती हूँ। तो मैंने अपने लिए भी कुछ इयररिंग्स के शॉपिंग कर लिया। फिर हम लोग केक शॉप पे गए और रात के सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी के लिए केक खरीदा। और नेक्स्ट डे के लिए भी केक खरीद लिया था, दो दो केक खरीद लिया था। फिर रास्ते में हम लोग को जलेबी दिखा, जो मम्मी के मेरे में बहुत ही फेवरेट है। मम्मी को मुझे जलेबी बहुत ही पसंद है। फिर हम लोग घर वापस आ गए। घर आते ही सबसे पहले मैंने अपनी मम्मी के लिए जलेबी निकाला ताकि टेस्ट करा सकूँ कि जलेबी कैसा है। और वो वही मैं जलेबी निकाल रही हूँ। हाँ मम्मी, लो कैसा है, खा के देखो। मम्मी ने बर्थडे के लिए बोला था कि मेरे हाथ में मेहंदी लगा दो, तो मैं वही मम्मी के लिए मेहंदी लगा रही थी ताकि रात के पार्टी के लिए भी हो जाए, मेहंदी का कलर आ जाए। ये मेहंदी कंप्लीट हो गया है। कुछ देर के बाद सरप्राइज़ पार्टी की प्लानिंग के लिए मैं लग गई थी और वही मैं डेकोरेशन कर रही थी। और ये हमारा सरप्राइज केक। कैसा लग रहा है? हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। मॉर्निंग, पापा मम्मी के लिए चाय बना रहे हैं बर्थडे स्पेशल। मम्मी के लिए चाय बन रहा है। मम्मी स्पेशल टेस्टी अदरक वाली चाय। और ये चाय बन के रेडी। चलो अब चाय पी के बताओ कि पापा के हाथ से चाय कैसा बना है।
पापा चाय कैसा बना है? बर्थडे का सबसे मुश्किल काम बैलून फुलाना, और मैं ये बैलून फुला रही थी। मैंने बैलून फुलाना जल्दी शुरू कर दिया ताकि बर्थडे ख़त्म होने तक बैलून फूल सके। मैं बैलून फुला रही तब तक मम्मी बीच में आ गई। डेकोरेशन स्टार्ट हो गया, और ये पापा बैलून फुलाते हुए। अब मैं ये बर्थडे के लिए तैयार हो रही हूँ। आज मैंने सलवार सूट पहना हुआ है क्योंकि मम्मी का ये स्पेशल कलर है, और ड्रेस भी मम्मी ने बनाया था। और अब मैं मम्मी को तैयार करा रही हूँ क्योंकि बर्थडे गर्ल को तैयार होना तो ज़रूरी है। हमारा फाइनल डेकोरेशन डन हो गया है, केक भी रेडी है, सब कुछ तैयार है। और ये रही हमारी बर्थडे गर्ल, मेरी प्यारी ब्यूटीफुल मम्मी।